बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। दी टोपोलॉजिकल स्पेस में आज हमारे पास पास पेपर का एक क्वेश्चन है। 2021 का ये पास पेपर है और क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है, डिफाइन द कॉम्पैक्ट टोपोलॉजी एंड फाइंड ऑल द कॉम्पैक्ट सबसेट्स ऑफ आर। तो डिफाइन द कॉम्पैक्ट टोपोलॉजी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने ये कॉम्पैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस क्या होती है इसकी डेफिनेशन लिखनी है। अच्छा जी, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको कॉम्पैक्ट सबसेट्स ऑफ आर निकालने हैं। यानी कि देखिए, इस वक्त आर क्या है, आर आपके पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और टोपोलॉजी चूँकि इसके ऊपर यहाँ मेंशन नहीं की हुई, तो जब भी मेंशन ना की हो इसकी टोपोलॉजी जो आर के ऊपर होती है वो यूजुअल टोपोलॉजी होती है। तो यहाँ पर आर इज़ विद द यूजुअल टोपोलॉजी फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अब इससे पहले मैंने जो लेक्चर अपलोड किया है टोपोलॉजी के ऊपर, वो थ्योरम मैं उसकी स्टेटमेंट यहाँ पे आपको लिख के देती हूँ जी। तो ये स्टेटमेंट आपके सामने है, ये स्टेटमेंट क्या है, इससे पहले लेक्चर में मैंने ये थ्योरम आपको करवा चुकी हूँ। अ सबसेट ऑफ आर इज़ कॉम्पैक्ट इफ़ एंड ऑनली इफ़ इट इज़ क्लोज एंड बाउंडेड। अब यहाँ पे भी आर जो है वो आपके पास रियल नंबर्स का सेट है और चूंकि यूजुअल टोपोलॉजी मेंशन नहीं है, दैट्स वाई यहाँ पे टोपोलॉजी यूजुअल टोपोलॉजी है। और यहाँ पे आपको बेसिकली एक पैटर्न दिया गया है। वो पैटर्न क्या, देखिए अगर हमें यहाँ पे कहा गया है कि आर के कॉम्पैक्ट सबसेट्स फाइंड आउट करें, तो देखिए आर एक इन्फिनिट सेट है, उसमें उसके जो सबसेट्स हैं वो भी इन्फिनिट तादाद में हैं। लेकिन किस तरह के सबसेट्स होंगे और किस तरह से हम उनको उन सबसेट्स को चेक करेंगे, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि इन्फिनिट सबसेट्स में से हर सबसेट को पकड़ना और फिर उसको कॉम्पैक्ट चेक करना, ये हमारे लिए इन्फिनिट सेट्स में पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसा क्राइटेरिया सेट होना चाहिए जिससे हम इंडिकेट कर सकें कि हमारे पास ये टोपोलॉजी जो है वो आपके पास ये सबसेट्स जो हैं इस टोपोलॉजिकल स्पेस के ये कॉम्पैक्ट होंगे। इस सिलसिले में ये जो थ्योरम है, ये थ्योरम हमें हेल्प आउट करता है। ये थ्योरम क्या है, अ सबसेट ऑफ आर, कोई भी यूजुअल टोपोलॉजी अगर आर पे बन रही है और उसका कोई भी सबसेट क्लेम करता है कि वो कॉम्पैक्ट है, तो फिर उसको क्लोज्ड एंड बाउंडेड होना पड़ेगा। और अगर कोई सबसेट, ये अच्छा ये इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये थ्योरम इफ एंड ऑनली इफ के साथ है, और अगर कोई थ्योरम, अगर कोई सबसेट क्लोज्ड और बाउंडेड है, तो फिर उसका नतीजा क्या निकलता है कि वो फिर साथ में कॉम्पैक्ट भी होगा। तो आप, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप कोई भी ऐसे सबसेट्स, आप आर के, जैसे कि मैंने कहा कि इन्फिनिट सेट है आर खुद, और इसके सबसेट्स भी इन्फिनिट सबसेट्स हैं। नॉट पॉसिबल कि मैं हर सबसेट को निकालूं और चेक करूं। तो इसमें फिर अब आप कैटेगराइज कर लें। देखिए, आपको एक रिस्ट्रिक्शन मिल गई है, आप ये जो आर के इन्फिनिट सबसेट्स हैं उन इन्फिनिट सबसेट्स में से हर सबसेट को चेक करना नहीं, सिर्फ वो सबसेट्स मुझे निकालने हैं जो क्लोज्ड और बाउंडेड हैं, सिर्फ और सिर्फ वो सबसेट्स जो एट अ टाइम ये दो क्वालिटीज रखते हैं वही कॉम्पैक्ट हो सकते हैं। और ये थ्योरम हम अपने पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, दैट्स वाई ये थ्योरम इटसेल्फ तो आपके कोर्स में भी शक ना हो, लेकिन ये थ्योरम इस पास्ट पेपर के क्वेश्चन को हेल्प आउट होगा करने में। तो इस ये जो थ्योरम है, ये जो मैंने रेफरेंस के लिए आपको दिया है, तो इस थ्योरम का लिंक जो है मैं इस वीडियो के लिंक में दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, इसका लिंक आपको मौजूद होगा। तो आप इनफैक्ट इसका रेफरेंस मैंने आपको दिया है। तो एक्चुअली में जब आपको क्वेश्चन में ये पेपर में ये क्वेश्चन आएगा, फाइंड ऑल द कॉम्पैक्ट सबसेट्स ऑफ द टोपोलॉजिकल स्पेस आर विद द यूजुअल टोपोलॉजी, तो उसकी एक्सप्लेनेशन में आपने ये थ्योरम पूरे का पूरा करना है। यही थ्योरम, ये इस बात का, इसका आंसर है कि कॉम्पैक्ट सबसेट्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो कॉम्पैक्ट सबसेट्स जो हैं वो क्लोज्ड और बाउंडेड होते हैं, तो इसका कंप्लीट जो है हमारे पास प्रूफ वो इस थ्योरम के प्रूफ में है, ठीक है। तो ये मैं सिर्फ इतना सा था, और आप इसको, इस वीडियो को देख लीजिएगा जिसमें मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी। तो ये आपका 2021 का पास पेपर में ये क्वेश्चन था। तो लिटरली आप एक एक इसके, मैं ये आपको बताती चलूँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि कॉम्पैक्ट सबसेट्स फाइंड आउट करना वन बाय वन, जैसे किसी भी सेट के सबसेट्स निकालना, यहाँ पे आर जो कि इन्फिनिट सेट है, तो ये हमारे लिए पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है कि हम इसके एक एक सेट निकालें। तो ओवरऑल हम एक जनरल कॉन्सेप्ट यहाँ पे देंगे कि इस खासियत को रखने वाले जितने भी सेट्स होंगे वो सब के सब इसके अंदर जो हैं वो कॉम्पैक्ट होंगे। तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप फिजिकली एक एक इसके सेट को निकाल के और यहाँ शो करके दिखाएं।
और अगर मार्क्स के हवाले से देखा जाए तो अगर इसके मैं पास पेपर में मार्क्स देखूँ इस क्वेश्चन के, तो इस क्वेश्चन के मार्क्स जो हैं वो 6 हैं। तो इसलिए भी इसके थ्योरम में इसको, ये थ्योरम जो है जब तक आप इसको प्रूफ को नहीं करेंगे आपको 6 मार्क्स नहीं मिल सकते। मैक्सिमम टोपोलॉजी की, कॉम्पैक्ट टोपोलॉजी की डेफिनेशन 2 नंबर की होगी और ये जो बाकी का हिस्सा है ये आपके पास कम से कम 4 नंबर का है। या टोपोलॉजी की डेफिनेशन अगर आप 1 नंबर का कर लें तो कॉम्पैक्ट सबसेट का जो फाइंड आउट करने का इतना हिस्सा है, ये आपके 5 नंबर का तो कम से कम क्वेश्चन है। तो उस 5 नंबर के क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन में ये थ्योरम जब आप करेंगे तो आपको 5 नंबर जो है वो ईजी नहीं मिल जाएंगे।